हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो है इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है वो प्रोवाइड करती हूँ। और स्पेशली मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइप एंड जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वो प्रोवाइड करती हूँ, जो काफ़ी यूजी एंड पीजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो गाइज, आज मैं आपको राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का पार्ट टू डिस्कस करने जा रही हूँ। जो गाइज, पार्ट वन में मैंने आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस करी थी, एंड गाइज दिस इज़ ए पार्ट टू। एंड यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ जो स्पिरिचुअल जो सुपर नेचुरल हॉरर होने वाला है, इसमें जो कौन कौन से एपिसोड्स थे उसको, जहाँ पे जो हॉरिबल जो एपिसोड्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। सो गाइज, अगर ये वाला क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप में आता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है एसटी कॉलरीज का, एंड देन आपको अबाउट द पोइम देना है। जो अबाउट द पोइम मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, और जो एसटी कॉलरीज का इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको कुबला खान में दिया था, तो आप वहाँ से कैरी कर लीजिएगा। एंड गाइज, ये दोनों देने के बाद आपको मिस्ट्री एंड सुपर नेचुरल हॉरर पे ये वाला जो आपको पैरा है ये देना है, एंड उसके बाद ये वाला यहाँ से अपन को लिखना रहेगा। सो गाइज, चलते हैं। सबसे पहले मिस्ट्री एंड द सुपर नेचुरल हॉरर इन द एंशिएंट मैरिनर। द सुपर नेचुरल इवेंट इन द एंशिएंट मैरिनर, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन एंड एपिसोड्स इन द एंशिएंट मैरिनर विच फील्स अस आइदर विद ए सेंस ऑफ मिस्ट्री और ए फीलिंग ऑफ हॉरर और विद बोथ। इट इज वर्थ वाहिल मेकिंग ए सर्वे ऑफ सच सिचुएशंस एंड एपिसोड्स। सो गाइज, ये हमारा सुपर नेचुरल का एक नॉर्मल सा पेरा है। अब हम यहाँ पे सिचुएशन देने वाले हैं, जो एपिसोड्स है वो मैं यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अब उनके अंदर हम डिटेल को डिस्कस करेंगे। द स्केलेटन शिप फर्स्ट पॉइंट है। द फर्स्ट सिचुएशन दैट स्ट्राइक्स टेरर इन द हर्ट्स ऑफ द मैरिनर एंड आल्सो द रीडर। सो गाइज, जब स्केलेटन शिप आया था तो काफ़ी जो हॉरिबल एंड टेरर जो यहाँ पर आ जाता है इस पोइम में, इज द अपीयरेंस ऑफ द स्केलेटन शिप। द फीलिंग ऑफ टेरर इज हाइटन्ड व्हेन हर रेफरेंस इज मेड टू द क्रू ऑफ दिस शिप। द क्रू कंसिस्ट्स ऑफ डेथ एंड लाइफ इन डेथ। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दो जो पैसेंजर थे, डेथ था एंड लाइफ इन डेथ था। सो गाइस, डेथ जो रहता है, जो ये दोनों क्या खेलते रहते हैं, डाइस का गेम खेलते रहते हैं, एंड जो डेथ है वह है जो जो सेलर्स है उनको जीत लेता है, तो सेलर सारे जो है ना उनकी डेथ हो जाती है, और लाइफ इन डेथ है वह मैरिनर को जीतता है, एंशिएंट मैरिनर को। सो गाइज, उसको डेथ के बीच में अपना रहना पड़ता है। सो गाइज, फिर उसको पिनेंस करता है वो, और रेपिटेंस करता है, फिर उसको गॉड माफ़ भी कर देते हैं, पर उसको क्या शर्त रहती है कि उसको अपनी स्टोरी सबको सुनानी पड़ती है, ताकि जो लोग हैं वो उससे इंस्पायर हो सके और वो ऐसी गलती कभी ना करें। द डेथ ऑफ सेलर सेकेंड पॉइंट है हमारा। द नेक्स्ट सिचुएशन विच मे बी मैंशन इन दिस कनेक्शन इज द डेथ वन बाई वन 4 times 50 लिविंग मैन ऑन द शिप। ईच ऑफ देम लुकड एट द एंशिएंट मैरिनर विद ए कर्स इन हिज आइज एंड ड्रॉप डाउन डेड। गाइज, यहाँ पर वो कर्स से क्यों देखते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर वो एल्बर्ट रोज को मार देता है अपने तीर से, मैरिनर है इसलिए सब लोगों को, क्योंकि वो सब उसको गुड ओमेन मानते थे, एंड जो मैरिनर था उसको लगा कि एल्बर्ट रोज बैड ओमेन है, सो वो उसको मार देता है। द एंशिएंट मैरिनर हर्ड ए लाइक साउंड एवरी टाइम ए सोल लेफ्ट इट्स बॉडी। वॉट ए हॉरिबल एक्सपीरियंस इट मस्ट हैव बीन फॉर द एंशिएंट मैरिनर एंड हाउ हॉरिबल फॉर द टू। सो गाइज, ये काफ़ी जो हॉरिबल होने वाला था, क्योंकि जो एंशिएंट मैरिनर के सामने वो सभी लोग जो उसके सेलर्स हैं उसके साथी हैं वो सब मर गए हैं, और उसको अजीब सा साउंड सुनाई देना है वहाँ पर। सो गाइज, ये काफ़ी हॉरिबल सिचुएशन हो जाती है। सो गाइज, मैंने यहाँ पर आपको स्केलेटन शिप एंड द डेथ ऑफ सेलर्स पढ़ा दिया है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। द एगोनी ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द एगोनी एंड द स्पिरिचुअल टॉर्चर ऑफ द लोनली एंशिएंट मैरिनर ऑन ए वाइट सी व्हेन ही कुड नॉट प्रे और डाई आर द मोस्ट टेरिफाइंग एलिमेंट्स इन द स्टोरी। गाइज, ना तो वो प्रे कर सकता है ना ही वो मर सकता है, क्योंकि मरना तो उसके हाथ में नहीं है, पर वो प्रेयर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो है वहाँ पे पानी की मतलब उसको पानी की कोई भी मतलब अरेंजमेंट नहीं है, उसको बहुत पानी की प्यास लग रही है, उसका गला बिल्कुल सूख चुका है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। सो गाइज, यहाँ पर वो प्रेयर भी नहीं कर सकता है,
एंड लास्ट में जब एक शिप आता है, जब हर्मिट और पायलट एंड पायलट्स बॉय आते हैं वहाँ पर, तो वो अपने हाथ को ऐसा कुछ खाकर काट कर और वो अपना खुद का ब्लड पीता है, फिर वो कुछ बोलने के लिए काबिल हो पाता है और वह उनको हेल्प के लिए हर्मिट पायलट एंड पायलट्स बॉय को वहाँ पर बुलाता है ताकि वह उसकी सहायता करें। सो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट है द डेड मैन कम बैक टू लाइफ। दैट्स द ग्रोनिंग एंड द स्टरिंग एंड द टेरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर द एंशियंट मैरिनर वाज डेड मैन्स कमिंग बैक टू लाइफ एंड ही डिस्कवर्ड दैट बॉडीज वर इंस्पायर्ड नॉट बाय देयर ओरिजिनल सोर्स बट बाय ए ट्रूप ऑफ एंजेलिक स्पिरिट्स। द रीडर इज सर्टेनली टेरिफाइड व्हेन रीड्स। सो गाइस, जो मर गए थे, जो सेलर्स वहाँ पे जो मरे हो गए थे, उनमें गाइस जो एंजेलिक जो स्पिरिट्स है वो उनमें आ जाती है और वो अपना जो जहाज पे अपना काम स्टार्ट करने लगती है, जो ये काफ़ी टेरिफाइड हो जाता है इसके लिए, एंशियंट मेरिनर के लिए। द टेरिफाइड पायलट एंड द पायलट्स बॉय। अनदर हॉरिबल सिचुएशन अकर्स व्हेन द एंशियंट मेरिनर इज रेस्क्यूड बाय द पायलट एंड पायलट्स बॉय एंड द हर्मिट। गाइस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टोरी बताई थी कि बिकॉज वहाँ पर वो उन सबको अपना जो हाथ काट कर उसको ब्लड पीकर वो उनको हेल्प करने के लिए आवाज़ लगाता है, बुलाता है, तो वहाँ पर उन लोगों के द्वारा एंशियंट मेरिनर को बचा लिया जाता है। द मेरिनर्स फेस हैड बीन सो चेंज्ड विद हिज एगोनाइजिंग एक्सपीरियंसेस दैट इट लुक्ड मोस्ट टेरिबल। गाइस, वो बहुत ज़्यादा टेरिबल दिखने लग गया था, उसका चेहरा ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत अजीब सा दिखने लग गया था, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ मतलब ह्यूमन बींग है ही नहीं। द पायलट थॉट दैट द मेरिनर वॉज नॉट ए ह्यूमन बींग बट सम हॉरिबल घोस्ट। उसको लगा कोई बहुत ज़्यादा हॉरिबल घोस्ट है वह। सो गाइस, यहाँ पर पायलट एंड पायलट्स बॉय और हर्मिट थोड़ा सा डर जाते हैं। द बॉडी ऑफ द डेड एल्बाट्रोस, ये हमारा नेक्स्ट पैरा है। द डेड बॉडी ऑफ द एल्बाट्रोस विच हैड बीन हंग राउंड द मेरिनर्स नेक फेल डाउन इन टू द सी ऑटोमेटिकली द मोमेंट ही ब्लेस द वाटर स्नैक्स। गाइस, ये वाला मोमेंट कब होता है, जब वह जब पिनेंस करता रहता है वो काफ़ी, और उसके गले में जब सब लोग एल्बाट्रोस की जो वो माला रहती है, मतलब उसको हैंग करके उसको किसी चीज़ से बांध कर उसके गले में पहना दिया जाता है। सो गाइस, लास्ट में वह वहाँ पर स्नैक्स को देखता है, जो वाटर स्नैक्स रहते हैं, तो उसके मन में आता है कि गॉड की क्रिएशन सब लोग सभी कितनी अच्छी है और वाटर स्नैक्स को अच्छे लगने लगते हैं। तब धीरे धीरे वहाँ पर उसका फर्स्ट स्टेप रहता है वो पिनेंस का। सो गॉड काफ़ी खुश होते हैं और अपने आप ही एल्बाट्रोस की जो उसके गले में जो माला पहनाई गई थी वो अपने आप ही टूट कर सी में गिर जाती है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने लिए आपके लिए सारे एपिसोड्स कवर कर दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पैरा हैं। इसमें जो हॉरिबल इफ़ेक्ट्स है वह डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर। इससे गाइस ये स्टोरी भी अपनी कवर होगी और साथ साथ में ये सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं वो भी सारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। सो गाइस, अगर आपने मेरी पार्ट वन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको भी वॉच कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज में क्रिटिकल अप्रिशिएशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर आपके साथ पार्ट टू डिस्कस करा है और गाइस अब मैं नेक्स्ट आपके लिए पार्ट थ्री लाने वाली हूँ। उसमें मैं आपके लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब शॉर्ट से थोड़े से बड़े रहने वाले हैं, वो उससे भी आप अपना एक क्वेश्चन है मिलाकर पूरा कवर कर सकते हैं। सो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये आप 20 तक के जो मार्क्स में आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन और अबाउट द पोइम आप मेरी प्रीवियस वीडियोज है उसमें से ऐड कर लीजिएगा इसमें। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करते हैं उतनी ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आती हूँ। और गाइस, अगर आपको कोई से भी टॉपिक पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई सा भी टॉपिक पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।